चीन अंतरिक्ष का राजा, भारत अभी भी बहुत पीछे है चीन से। मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में चीन के सामने अभी बच्चा है भारत। स्पेस में भारत की ताकत लगातार बढ़ी है। भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं, लेकिन चीन के सामने भारत की क्या स्थिति है, चलिए आपको बताते हैं। भारत ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के मिशन के तहत MESAT उपग्रह लॉन्च किया। भारत की स्पेस में दिन ब दिन ताकत बढ़ती जा रही है। इस उपग्रह से भारत दुश्मनों के रडारों का भी अंदाजा लगा लेगा, साथ ही उनकी सही स्थिति का आकलन कर लेगा। अपने मिशन को सफल बनाने के लिए रडारों को चकमा देने में भी सफल होगा। हालांकि इसके बावजूद चीन के सामने अभी कहीं नहीं ठहरता भारत। क्या आप जानते हैं इस समय भारत के पास कुल कितने मिलिट्री सैटेलाइट हैं? इस समय भारत के पास कुल 7 मिलिट्री सैटेलाइट हैं। इनमें GSAT-7A, GSAT-7 व MicroSat-R सबसे नवीनतम हैं और आसमान से भारतीय सेना के लिए कई तरह की जानकारियां भेजते हैं। भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष में प्रभावशाली ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, बिना किसी को खबर लगे योजनाबद्ध तरीके से हमला कर सकती है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है, पर इसमें एक बेहद अहम भूमिका भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो की रही है। इसरो पाकिस्तान के करीब 87% इलाकों के चप्पे चप्पे की हाई डेफिनेशन यानी HD क्वालिटी की तस्वीरें वे विजुअल इंडियन एयरफोर्स को मुहैया करा रहा है। अब इसरो की सैटेलाइट इतनी उन्नत है कि अंतरिक्ष से ही वह पाकिस्तान पर बाज जैसी नज़र बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार भारतीय सैटेलाइट पाकिस्तान के कुल करीब 8.8 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में से करीबन 7.7 लाख स्क्वायर मीटर की लगातार मैपिंग कर रहे हैं। साथ ही भारतीय सेना के आला अधिकारियों को लगातार 0.65 मीटर ऊपर से लिए गए HD तस्वीरों से रूबरू करा रहा है। इसरो के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार भारत के करीब 14 पड़ोसी देशों के 55 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र भारतीय सैटेलाइट्स के कैमरों की जद में है। हालांकि चीन से संबंधित आंकड़े तत्काल मुहैया नहीं हो पाते, क्योंकि चीनी क्षेत्र की जानकारियां केवल कुछ खास भारतीय सैटेलाइट ही दे पाती हैं। उसके द्वारा दी गई जानकारियों के बारे में बात करने पर इसरो के लोग कतराते हैं। सूत्र भी इस पर विश्वास योग्य जानकारियां नहीं दे पाते। पाकिस्तान के पास इस समय सिर्फ एक ही मिलिट्री सैटेलाइट है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1। इसे पाकिस्तान ने पिछले ही साल 9 जुलाई को लॉन्च किया था। इसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। यह चीन की जियू कुआन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च की गई थी। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान इसके पीछे दो उद्देश्य बताता है, तो चलिए बताते हैं आपको चीन के मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में। चीन के कुल 68 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। इनमें 36 मिलिट्री सैटेलाइट यायोगन सीरीज अंतरिक्ष में भेजे हुए हैं। चीन की यायोगन सीरीज की सैटेलाइट्स ही उनकी प्रमुख मिलिट्री के लिए अंतरिक्ष से सुरक्षा करती हैं। चीन इस सीरीज के अब तक कुल 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसमें सबसे आधुनिक और नवीनतम यायोगन 32A 32B सैटेलाइट, इन्हें चीन ने 9 अक्टूबर 2018 को भेजा था। इसके अलावा चीन ने FSW सीरीज, BD सीरीज, ST सीरीज की सैटेलाइट भेजी हैं। इनकी ओर से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइटों के प्रमुख 9 प्रकार हैं। चीन ने संचार, तेजी से चेतावनी, अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, समुद्रों की पड़ताल, जांच पड़ताल और ऑप्टिकल रडार आदि के लिए हैं। कुछ और सैटेलाइट जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि इसके अलावा भारत के किसी पड़ोसी देश के पास मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी देश यह सुविधा जरूरत पड़ने से अपने मित्र देशों की सैटेलाइट से सुविधाएं मांगते हैं। लेकिन बात पश्चिमी देशों की करें तो वे भारत से इस मामले में काफी आगे हैं। बताएंगे आपको अमेरिका, रूस सहित सभी पश्चिमी देशों की मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।